Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought the second video on the address written by Marga Minko. And this is video lecture 2 of 2. And this lesson, the address is meant for the students of 11th class. 11th class ke liye ye lesson hai. Aur writer hai Marga Minko. वीडियो लेक्चर टू राइट लेट्स रिकॉल कर लेते हैं लेसन हमने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था वो कहाँ छोड़ा था. द नरेटर हैड वोकन अप लेट मॉर्निंग दैट मॉर्निंग एंड वॉज कमिंग डाउन स्टेयर्स. जो नरेटर हैं इसमें जो ये कहानी सुना रहे हैं, नरेटर होते हैं कहानी सुनाने वाले, जरूरी नहीं है कि राइटर नरेटर होते हैं, कई बार राइटर नरेटर होते हैं कई बार नहीं होते. तो सुबह नींद से लेट जागी थी और डाउन स्टेयर आ रही थी, जैसे ऊपर कमरा है यहाँ पे कहीं और नीचे की तरफ आ रही थी सीढ़ियों से. तो देखा कि इधर इसकी माँ, नरेटर की माँ किसी से बातें कर रही थी. हर मदर वॉज अबाउट टू सी ऑफ दैट वूमन हैविंग ए ब्रॉड बैग एट द गेट. और जिस महिला को इनकी माँ, नरेटर की माँ सामान दिया करती थी युद्ध के दिनों में ताकि बाद में वापस ले लें, तो उस महिला को नरेटर ने उस दिन देखा था. देयर इज माई डॉटर सेड द नरेटर्स मदर. नरेटर की मदर ने इशारा करके कहा था नरेटर की तरफ, अपनी बेटी की तरफ, कि वो मेरी बेटी है. The woman shook her head and then picked up the suitcase that was lying under the coat rack. और उस महिला ने हाँ करके गर्दन हिला के नरेटर की तरफ की देख ली उसने, तो अपना सूटकेस लेके वो चल पड़ी थी और सूटकेस ये कोट रैक के नीचे था. She had worn a brown coat and a worn out hat. उस दिन उस महिला ने एक ब्राउन रंग का कोट पहना हुआ था और एक वॉर्न आउट हैट. वॉर्न आउट हैट मतलब थोड़ा फटा पुराना सा हैट था. अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड. द नरेटर हैड आल्सो कम टू नो द एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 फ्रॉम द मदर एट दैट वेरी टाइम. उस दिन नरेटर की मदर ने अपनी बेटी, जो नरेटर है यहाँ पे जो कहानी सुना रही है हमें, उस दिन एड्रेस भी बताया था उस महिला का और मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 था. द नरेटर न्यू द एड्रेस. नरेटर को ये एड्रेस पता था, बट ही टुक ए लॉन्ग टाइम टू डिसाइड टू गो टू दैट वुमन्स हाउस. परंतु नरेटर ने लंबा समय लिया ये निर्णय करने के लिए कि अपना सामान लेने उस महिला के घर जाया जाए या ना जाया जाए. इंडीड शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट स्टफ that she had taken from her mother. वास्तव में वो उस सामान के बारे में दिलचस्पी नहीं रखती थी जो उस महिला ने उसकी मदर से लिया था, या यूं कहिए कि जो उसकी मदर ने उस महिला को सामान एक सिक्योरिटी के रूप में कहा था, एक रखने के लिए अपने घर में अमानत के तौर पे रखने के लिए कहा था, उसमें दिलचस्पी नहीं थी नरेटर की. Now it all belonged to the past. अब वो बातें भूतकाल से संबंध रखती हैं और एक ऐसा भूतकाल जो कड़वाहट से भरा हुआ है जिसमें उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, मदर अब नहीं रही. That had some painful memories attached to it. और वो जो पास्ट था that was full of bitterness for her. It contained some painful memories for the narrator. Therefore she didn't want to recall all that belonged to her mother. जो चीजें उसकी मदर से बिलोंग करती हैं उनको वो दोबारा देख कर उन पेनफुल मेमोरीज को रिकॉल नहीं करना चाह रही थी. That was why she didn't want to revive those memories which could be stirred in her mind if she had to see all those things that belonged to her mother. यही कारण था. She didn't want to revive, वो remember नहीं करना चाहती थी, revive करना नहीं चाह रही थी उन memories को, उन बातों को
जो यादें थी उसकी, जिनको अब दोबारा दिमाग में सोचना पेनफुल हो सकता है उसके लिए, जो उसकी माँ से जुड़ी हुई थी, अगर वो उन वस्तुओं को दोबारा देखेगी तो उसे अपनी माँ की याद दोबारा आएगी और वो यादें दोबारा दिमाग में आ जाएंगी। दोज वुड बी स्टर्ड इन हर माइंड। जैसे स्टरिंग होता है किसी चीज को हिलाना, जैसे पानी में कोई पत्थर फेंकता है तो उसमें लहरें उठती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टरिंग करना, स्टर करना होता है। इट वॉज द कनेक्शन दैट नो मोर एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट, और ये वो कनेक्शन था जो इस वक्त नहीं रहा था, वर्तमान में नहीं रहा था। माँ उसकी मर चुकी थी और ये सब बातें पास्ट की हो चुकी थी। दोज थिंग्स वर केप्ट हिडन इन बॉक्सेस एंड अलमिराज एंड वर वेटिंग इन वेन टू बी पुट इन देयर यूजुअल प्लेस अगेन। और नरेटर कल्पना में कुछ सोच रही है, अंदाजा लगाती है कि वो वस्तुएं बॉक्सेस में कैद होंगी, बॉक्सेस में, अलमीराज में रखी होंगी, और अपनी यूजुअल प्लेस पे दोबारा उनको रखने का इंतजार कर रही होंगी। ग्रेजुअली मीन स्लोली थिंग्स बिकेम नॉर्मल अगेन एंड शी बिकेम क्यूरियस अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट वर गिवन टू मिसेस डॉर्विन। और धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हुई, वार डेज खत्म हो गए, युद्ध समाप्त हो गया और नॉर्मल डेज लौट आए, तो नरेटर के मन में क्यूरियोसिटी आई, थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। शी बिकेम कीन, क्यूरियस हो गई वो। क्यूरियस होना, स्ट्रॉन्गली इंटरेस्टेड होना, जिज्ञासा रखना मन में उन वस्तुओं के बारे में जो मिसेस डॉर्लिंग को उसकी माँ ने दी थी, उनको लेने के लिए या उनको देखने के लिए नरेटर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। शी वॉन्टेड टू टच दैम एंड रिमेम्बर, उन वस्तुओं को वो टच करके देखना चाहती थी जो उसकी मदर की थी, उन्हें याद करने लगी। हर फर्स्ट विजिट हैड बीन यूजलेस, पहली मुलाकात नरेटर की बेकार गई थी, एंड नाउ शी डिसाइडेड टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस फॉर द सेकेंड टाइम। अब वो मिसेस डॉर्लिंग का घर दूसरी बार विजिट करने के लिए उन्होंने मन ही मन में निर्णय कर लिया, अपना मन बना लिया दैट शी वुड गो टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, एंड हर फर्स्ट विजिट वॉज ए फेल्योर। नाउ शी वॉज डिटर्मिन टू मीट मिसेस डॉर्लिंग रिगार्डिंग द थिंग्स दैट बिलोंग टू हर मदर, राइट। द नरेटर डिस्क्राइब्स हर सेकेंड विजिट टू नंबर 46। अब नरेटर अपनी सेकेंड विजिट को डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से वहां गई और किस तरह से उनकी बातें हुई। और नंबर 46 ये हाउस नंबर है मार्कोनी स्ट्रीट में। नाउ ए गर्ल ऑफ 45, एक 15 वर्ष की लड़की ने दरवाजा खोला था। द नरेटर आस्क्ड इफ हर मदर वॉज देयर एट होम। तो नाउ ए गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर, 15 वर्ष की लड़की ने दरवाजा खोला था। तो जैसे ही दरवाजा खोला, नरेटर ने उस लड़की से पूछा कि क्या आपकी मदर घर पे हैं? लड़की बोली, नो माई मदर्स गोइंग गोइंग एन एरन एरन कोई टास्क, कोई जॉब, कोई ड्यूटी पे गई हुई है, कोई काम पे गई है, तो एरन इसलिए ये वर्ड यूज किया। तो नरेटर कहने लगी, नो मैटर, कोई बात नहीं है, आई वेट फॉर हर, मैं उनका इंतजार करूंगी। द नरेटर फॉलोड द गर्ल इन द पैसेज, और ये इसके बाद नरेटर को वो लड़की अंदर ले गई होगी और नरेटर पीछे पीछे जा रही है, जो घर में मेन डोर होता है, जैसे ये डोर है, यहाँ से कोई रास्ता होगा, इधर कमरा है या यहाँ पे बैठने की जगह है, कुछ खुली जगह होती है, जैसे आंगन अंदर भी लॉबी टाइप बोलते हैं जिसे, इधर किचन में खुलता होगा इस तरह से। एन ओल्ड फैशन हनुक्का कैंडल होल्डर, ये ओल्ड फैशन, दिस इज कॉल्ड हनुक्का कैंडल होल्डर, इसमें कैंडल्स रखती रखी जाती हैं। इट्स आल्सो ए ज्यूइश फेस्टिवल ऑफ लाइट्स।
और हनुका एक ज्यूइश फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी होता है। हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, मिरर के पास ये लटका हुआ था। इट आल्सो बिलोंग टू द नरेटर्स मदर, और ये भी नरेटर की मदर का ही था। इट वॉज नॉट यूज बाई देम बिकॉज इट वॉज समवट कम्बर्सम, और हनुका को यूज नहीं किया जा रहा था क्योंकि थोड़ा पे डब्बा सा था, कम्बरसम था। कम्बरसम क्या होता है, वेरी ओड, वेरी हैवी, बिग इन साइज, नॉट इजी टू हैंडल, जिसे हैंडल करना थोड़ा सा कठिनाई पैदा करता हो। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक ठीक होती है, एक है उसमें एक कैंडल रखी हुई है, पर इसमें तो कहीं इधर भी चार कैंडल्स हैं, इधर भी चार कैंडल्स हैं, तो थोड़ा अटपटा हो जाता है हनुका। द गर्ल ऑफर्ड हर टू सिट इन द लिविंग रूम, और उस लड़की ने नरेटर को लिविंग रूम में बैठने का ऑफर किया, बैठाया, एंड ओपन इट्स डोर, उसका दरवाजा खोला। एज शी वेंट इनसाइड, जैसे वो अंदर गई, शी फाउंड हरसेल्फ अमिडस्ट द थिंग्स शी डिडंट वांट टू सी अगेन, और जैसे ही वो अंदर गई तो उसने दीवारों को देखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो अपने आप को घेरा हुआ पाया। शी फाउंड हरसेल्फ सराउंडेड बाय द थिंग्स शी डिडंट वांट टू सी अगेन, ऐसी चीजों में घिरा हुआ पाया जिन वस्तुओं को वो देखना नहीं चाह रही थी। एंड ऑल दोज थिंग्स बिलोंग टू हर मदर, एंड द मेमोरीज, द बिटर मेमोरीज, द पेनफुल मेमोरीज केम इन टू हर माइंड, जो कड़वाहट से भरी हुई मेमोरीज हैं वो उसको याद आ गई। शी हैड बिकम अपसेट टू हर सेल्फ इन ए स्ट्रेंज एटमोस्फियर, और वो परेशान हो गई मन ही मन में इस अजीब से वातावरण में, जहां पे नजर दौड़ाओ तो उसकी माँ की वस्तुएं रखी हुई हैं। सारी वस्तुएं इनकी माँ की थी, आर्टिकल जितने थे, कटलरी का सामान है या कोई और भी सामान है, इसकी मदर का ही था। दोज थिंग्स वर अरेंज्ड इन सच ए वेरी टेस्टलेस वे, और नरेटर की मदर इन सब चीजों को बहुत ही उम्दा तरतीब में रखती थी, बहुत ढंग से रखती थी, परंतु यहाँ टेस्टलेस वे में वो दीवारों पे रखी हुई है और सजावट नहीं है उनकी, बेढब्बेपन से वो रखी गई है। A small a smell of dampness was coming from the ugly furniture there. फर्नीचर जैसे सोफा सेट है, उसमें गंदा हो रहा है, उसमें सीलन है, सीलन की बदबू आ रही है। डैम्पनेस क्या होती है, सीलन, उसकी दुर्गंध आ रही है। शी वॉज नॉट एबल टू सी अराउंड इन द रूम, और चारों तरफ घर में नजर दौड़ाने में वो असमर्थ थी। दैट गर्ल मूव्ड ए चेयर फॉर द नरेटर एंड शी सैट डाउन ऑन इट। अब उस लड़की ने नरेटर के पास एक कुर्सी खींची और उस पे बैठ गई। देन शी स्टेयर्ड एट द टेबल क्लॉथ एंड रब्ड इट विद हर फिंगर्स विच बिकेम वार्म, और अब लड़की ने एक टेबल क्लॉथ की तरफ, स्टेयर करना होता है एक टक देखना, तो एक टेबल क्लॉथ को एक टक देखी जा रही थी, और उंगलियों से उसने उसको रगड़ा और थोड़ा सा वार्म था गई उसमें। शी स्टेयर्ड एट द टेबल क्लॉथ एंड रब्ड इट विद हर फिंगर्स विच बिकेम वार्म, आफ्टर दैट शी रिमेम्बर्ड दैट देयर वाज ए बर्न मार्क एट द एज ऑन दैट टेबल क्लॉथ, और ये टेबल क्लॉथ भी उसकी मदर का था, नरेटर की, और फिर उसे याद आया नरेटर को कि इस टेबल क्लॉथ के किनारे पे कहीं एक बर्न था, जला हुआ, जले हुए का निशान था वहां पे। शी फॉलोड द लाइंस ऑफ द पैटर्न, और फिर वो ढूंढने लगी जो पैटर्न था, जो डिजाइन था, लाइंस पे होंगी, उनको फॉलो किया उसने। माई मदर विल बी बैक सोन, सेड द गर्ल, इस बीच चुप्पी तोड़ते हुए, क्योंकि शांत बैठे थे दोनों के दो, तो उस लड़की ने, मिस डॉर्लिंग की लड़की ने कहा कि मेरी मदर जल्दी ही आने वाली है। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप ऑफ टी, मैंने उनके लिए चाय पहले से ही तैयार कर दी है, क्या आप भी चाय का कप पीना पसंद करोगे। थैंक यू द नरेटर सेड, नरेटर ने कहा नहीं नहीं धन्यवाद।
The narrator raised her looks and saw that the girl put the cups ready on the table. लड़की ने नरेटर ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ की, आंखों को उठा के देखा तो उस लड़की ने, मिस डोरलिंग की लड़की ने चाय की प्याली पहले से ही मेज पे रखी हुई थी नरेटर के लिए भी. She also noticed that the girl had also a broad back just like her mother. और नरेटर ने यहाँ कंपैरिजन किया उस लड़की को और उसकी मदर भी पीछे से बैक से वाइड थी, चौड़ी थी पीछे से, तो उसने कंपैरिजन किया कि अपनी माँ की तरह है इसकी पीठ. शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक सफ़ेद रंग के पॉट से उसने चाय उसमें कप में डाली. पोर करना होता है उड़ेलना, राइट. इट हैड ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड. लिड जो केतली थी, पहले केतली वगैरह में चाय रखते थे, केतली इस तरह बड़ी सुंदर सी होती थी इस तरह, ये ऐसे, और यहाँ पे इसका सुराख होता था इस तरह कहीं पे, तो यहाँ पे जो ढक्कन है उसका, उस पे बॉर्डर जो था, ये बॉर्डर है जैसे, ये गोल्डन टाइप का बॉर्डर था, सुनहरे रंग का बॉर्डर था. इट हैड ए गोल्डन बॉर्डर ऑन द लिड, ये ढक्कन है, और चाय से यहाँ से उड़ेली चाय उसने. आफ्टर दैट शी ओपन्ड ए ड्रॉअर, फिर उसने ड्रॉअर खोला एंड टुक सम स्पून्स आउट, कुछ चम्मच निकाले. दैट्स ए नाइस बॉक्स, नरेटर ने कहा कि ये अच्छा बॉक्स है. ओ यू नो अबाउट देम, शी आस्क्ड. लड़की कहने लगी मिस डॉर्लिंग की, अच्छा तो आप जानते हो इनके बारे में. और शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट टी फॉर द नरेटर, वो थोड़ी घूमी मुड़ी अपने स्थान से और नरेटर के लिए चाय लाई. शी लाफ्ड एंड सेड, हंसते हुए उसने कहा, माय मदर सेज इट्स एंटीक, मेरी माँ कहती है कि ये एंटीक है, ये पुरानी पुराना पुरानी चीज है ये. वी हैव गॉट लॉट मोर, पुरानी चीजें हमारे घर में बहुत सी हैं, एंटीक चीजें हमारे घर में बहुत सी हैं. शी टोल्ड द नरेटर टू सी देम हरसेल्फ, और नरेटर को कहा कि खुद भी देख सकते हो, आप देख सकते हो उन चीजों को. सी फॉर योर सेल्फ, खुद देखिए. द नरेटर न्यू विच थिंग्स द गर्ल wanted her to show. नरेटर जानती थी कि ये लड़की, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की, क्या क्या उसे दिखाना चाहती है, वो सब जानती है कि कौन सी वस्तुएं उसे दिखाना चाहती है. देन द नरेटर रिमेंबर हर पास्ट, फिर नरेटर को अपना पास्ट याद आ जाता है, वेन शी यूज टू स्टैंड देयर एंड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, कि किस तरह से नरेटर अपने घर में इन वस्तुओं को सजा हुआ देखती थी, दीवार पे जो जगह होती है स्लैब सी बनी होती है घरों में, पुराने घरों में, कच्चे मकानों में भी स्लैब होती थी, यहाँ पे बर्तनों को सजाया जाता था, और किस तरह से उनको देखती थी, नोटिस करती थी वो. फैंसी करना, इमेजिन करना, एन एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, प्यूटर प्लेट पे एक एप्पल को इमेजिन कर रही थी वो. प्यूटर क्या होता है, मेटल, दैट इज मिक्सचर ऑफ लेड एंड टिन, लेड और टिन का मिक्सचर होता है प्यूटर में. वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, वो कहने लगी हम इस प्लेट को प्रत्येक पर्पस के लिए यूज करते हैं. देन शी टोल्ड द नरेटर दैट दे हैड आल्सो ईटन इन द प्लेट्स दोज हंग देयर ऑन द वॉल, और ये भी बताया जो दीवार पे प्लेट्स लटकी हुई हैं उनमें भी उन्होंने खाना खाया. टिल देन, तब तक द नरेटर हैड फाउंड द बर्नट रिमार्क, यहाँ मार्क है, बर्नट मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. इस बीच वो टेबल क्लॉथ पे बर्नट मार्क ढूंढ चुकी थी, टेबल क्लॉथ जो कपड़ा फैलाया हुआ था टेबल के ऊपर, उसमें कहीं जले हुए का निशान था, उसको ढूंढ चुकी थी. देन सडनली द गर्ल लुक्ड एट द नरेटर क्वेश्चनिंगली, फिर अचानक लड़की ने नरेटर की तरफ सवाल पूछते हुए देखा, जैसे वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हो. और आफ्टर दैट द नरेटर मेक्स ए स्टेटमेंट दैट हैज ए जनरल ट्रूथ, फिर इसके पश्चात नरेटर एक ऐसी स्टेटमेंट देती है जो एक सामान्य सच्चाई साबित होती है.
We get used to touching all the lovely things in the house that we hardly pay attention to them. कहती है कि घरों में हम सामान्यतः प्रत्येक वस्तु को टच करते हैं, जो भी हमें लवली दिखती हैं घर में चीजें होती हैं. We get used to touching all the lovely things. हम used to हो जाते हैं और उनकी बारीकियों की तरफ ध्यान नहीं देते. हम आदी हो जाते हैं जो घरों घरों में वस्तुएं होती हैं. That we hardly pay attention to them. उनकी तरफ हम इतना ध्यान नहीं देते, उनको बारीकी से उनका डिजाइन नहीं देखते. कोई प्लेट है, उसको प्लेट को उठा के ले आए, आपने खाना भी खा लिया और उसमें डिजाइन या कुछ कुछ लिखा हुआ है या कोई खास बात है उस प्लेट में, वो नहीं देखते. When something in the house is missing, then we notice them and remember that one thing is to be repaired or has been lent to someone. और जब कोई चीज गायब हो जाती है, मिसिंग होती है और आपको जरूरत है उसकी, तब याद करते हैं उसको कि ये चीज खराब हो चुकी है, इसकी रिपेयर करनी चाहिए, या फिर पड़ोस में वो प्लेट आपने दी थी, जब आपको याद आती है. जैसे कई बार आमतौर पे घरों में क्या होता है, आपके घर में कोई डिश अच्छी बनी है तो आपने किसी बाउल में वो डिश पा के, कोई वेजिटेबल है, सब्जी पकाई है, तो अपने घर पड़ोस में दे दी वो, और पड़ोस से वो प्लेट नहीं आई, वो बाउल नहीं आया, तो कई दिनों बाद जब उस बाउल की आपको जरूरत होती है तब याद आता है वो तो पड़ोस में गया हुआ है, पड़ोस ने ध्यान ही नहीं दिया. इतना तो कर सकते थे कि उनकी चीज है उनकी लौटा दें, ऐसा आमतौर पर करते नहीं है. आफ्टर दैट द नरेटर टेल्स द गर्ल अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ द पास्ट. और फिर नरेटर एक भूतकाल की बात याद करती है, एक इंसिडेंट बताती है लड़की को, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की को बताती है. शी सेड दैट वंस हर मदर आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प हर इन पॉलिशिंग द सिल्वर ऑन सम यूटेंसिल्स. बताती है कि एक बार उसकी मदर ने नरेटर को, अपनी बेटी को ये कहा था कि तुम उनकी हेल्प कर सकती हो. कुछ बर्तन थे घर में जो चांदी के बर्तन थे, उनमें थोड़ी पीलक आ गई थी, उन्हें साफ करना था. तो नरेटर की माँ ने कहा था अपनी बेटी को कि बेटे इनको थोड़ा हेल्प करा दो मेरी, इनको साफ करने में. द नरेटर हैड टू स्टे एट हाउस लॉन्ग टाइम अगो देन एज शी वाज इल. उन दिनों में नरेटर को अपने घर में ठहरना पड़ा था स्टडीज के लिए, वो गई नहीं थी अपने हॉस्टल. तो ये उन दिनों की बात है जब उसे कई दिनों अपने घर में रुकना पड़ा था. शी वॉज फीलिंग बोर्ड देन, और उन दिनों वो बोर भी महसूस कर रही थी. ऑन बींग आस्क्ड एज टू व्हाट हर मदर मेंट बाय द सिल्वर, शी टोल्ड हर दैट शी मेंट ऑल दो स्पून्स एंड फोक्स एंड नाइफ्स. और नरेटर ने पूछा कि मदर सिल्वर से क्या मतलब है आपका, जैसे ये यहाँ यूज किया था कि सिल्वर यूटेंसिल से मतलब था उनका, और सिल्वर यूज किया था तो कटलरी में सारी चीजें आ जाती हैं, स्पून्स भी आ जाते हैं, फोक्स भी आ जाते हैं और नाइव्स भी आ जाते हैं, तो इनको साफ करना था. द नरेटर डिडंट नो दैट द कटलरी दे यूज डेली व्हाइल ईटिंग वाज मेड ऑफ सिल्वर. नरेटर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, वो डेली कटलरी यूज करते थे, नाइव्स और फॉक्स और स्पून्स यूज करते थे, परंतु उसे ये नहीं पता था कि दोज वर मेड अप ऑफ सिल्वर, कि वो चांदी के बने हुए थे. देन द नरेटर आल्सो आस्क्ड द गर्ल दैट शी आल्सो डिडंट नो इट. और देन द नरेटर, नरेटर कौन है, लड़की और मिसेस डॉर्लिंग की लड़की से बात कर रही है, पूछा उसने कि क्या तुम्हें भी नहीं पता इनका, तुम्हें पता है इनका कि ये जो सामान है कटलरी का, ये चांदी का बना हुआ है. Saying this, the narrator washed her face purposefully. और ये कह के नरेटर ने उस लड़की का, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की की तरफ ध्यान से देखा, उद्देश्य रखते हुए देखा, पर्पजफुली इरादे के साथ देखा कि उसके चेहरे पे क्या हाव भाव आते, एक्सप्रेशन आते. She didn't seem to be sure of that. And then she walked towards the sideboard and wanted to open a drawer in it. और लड़की ऐसा लगा, सेम का मतलब होना, प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हुआ
जैसे वो श्योर नहीं थी, विश्वस्त नहीं थी। फिर वो उठी और साइड बोर्ड पे गई और वहां पे ड्रॉर खोलने वाली थी। शी वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर इन इट। उसमें कटलरी का सामान रखा हुआ था, उस ड्रॉर को वो खोलने लगी। आई लुक, इट्स देयर। और खड़ी होके कहती है, हाँ मैं देखती हूँ, यहाँ रखी है वो। बट द नरेटर एट वंस जम्प्ड अप। परंतु नरेटर को पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम जंप करके खड़ी हुई एंड टोल्ड हर दैट इट वाज टाइम फॉर हर टू कैच द ट्रेन। और बिना वो कटलरी का सामान देखे एकदम कहती है, ना ना बस रहने दे, मेरा ट्रेन कैच करने का टाइम हो गया है, मेरा जाने का टाइम आ गया। दैट गर्ल आल्सो आस्क द नरेटर इफ शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेट फॉर हर मदर। और मिस डोरलिंग की लड़की कहने लगी उसे कि आप तो मेरी मदर से मिलना चाह रही थी और आप वेट भी करना चाहती थी, क्या आप उनसे मिले बगैर जाओगी? द नरेटर रिफ्यूज टू स्टे। उन्होंने वहां ठहरने से मना कर दिया एंड सेड दैट शी हैड टू गो देन, कि उन्हें तो अब जाना ही होगा। शी स्टूड अप एंड वॉक टू द डोर। खड़ी हुई, दरवाजे तक बढ़ी, आगे गई एंड इन द मीन टाइम, और इसी दौरान द गर्ल ओपन द ड्रॉर। लड़की ने ड्रॉर खोल ली थी वाइल क्रॉसिंग द पैसेज। और वो जो पैसेज था लॉबी से वहाँ आगे तक, दरवाजे तक, मेन डोर तक जाने वाला ये पैसेज, द नरेटर हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। लड़की उन कटलरी का सामान जो था, फोक्स वगैरह, नाइव्स नाइव्स वगैरह, उनको देख रही होगी, हिल रही थी तो रिंगिंग साउंड पैदा हो रही थी। कटलरी में से अपनी साउंड आती है जो मेटल में से आती है। और व्हेन शी रीच्ड द कॉर्नर ऑफ द रोड, जब वो सड़क के किनारे पहुंची, शी लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और मुड़ के उसने नेम प्लेट को, जो घर की मेन नेम प्लेट थी, दरवाजे पे लटकी हुई थी, उसको फिर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट और हाउस नंबर 46 था ये। द नरेटर हैड बीन ऑन द करेक्ट एड्रेस नंबर 46, और उसे कोई भी गलती नहीं लगी थी नरेटर को, और वो सही जगह पे सही घर में गई थी। बट देन शी डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनी मोर। और इसके पश्चात वो उस एड्रेस को याद नहीं रखना चाह रही थी। शी थॉट नॉट टू गो देयर अगेन। और निर्णय कर लिया उसने मन ही मन में कि इस घर में लौट के नहीं आऊंगी। इट वॉज बिकॉज अनदर आइडिया स्टार्टेड डोमिनेटिंग हर माइंड। ये इस वजह से कि एक और आइडिया उसके दिमाग में डोमिनेट कर रहा था, बार बार उसके दिमाग में छाया हुआ था, डोमिनेट कर रहा था। डोमिनेट करना होता है ओवर पावर करना। उसके दिमाग में जो पहले वाला विचार था उसको उसने ओवर पावर कर लिया, मतलब उस पर वो छा गया। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस सही था। बट नाउ आई डिडन्ट वॉन्ट टू रिमेम्बर इट एनी मोर। वो अपने आप से कह रही थी कि मैं उसे याद नहीं रखना चाहती। आई वुड गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमरी विद द फैमिलियर लाइफ और फैमिलियर फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू वेन सेवर्ड फ्रॉम देम। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। और कह रही थी, आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, की जो वस्तुएं, दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो आपकी यादों से जुड़ी हुई हो, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो पिछला जीवन आपका जितना भी बीता है उसके, उस जीवन से जुड़ी हुई हो, जो जाना पहचाना जीवन हो, फैमिलियर हो, उसी वक्त वो अपनी वैल्यू खो देता है। When severed, severed means separated from them, जब आप उनसे अलग हो जाते हो, you see them again in strange surrounding, जब आप उनको अजीब सी surrounding में देखते हो, किसी और जगह देखते हो, जैसे वो सामान उनका था, उनके घर में सजाया हुआ था तो वैल्यू रखता था, अब मिसिस डोरलिंग के घर में एक बेतरतीब ढंग से वो सजाया हुआ रखा हुआ है, वो अपनी वैल्यू खो देता है। एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी पिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर।
ये भी सोचने लगी वो लड़की, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद द मैन, इनके साथ करती क्या, अगर सामान ले भी आती इस छोटे से रेंटेड हाउस में कहाँ रखूंगी, जहाँ पे श्रेड्स मैंने पीसीज ऑफ ब्लैक आउट पेपर, मतलब जो पेपर काला हो चुका है, स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, खिड़कियों में लटका हुआ है। नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और टेबल ड्रॉर छोटा है, उसमें कितनी कटलरी फिट होगी, कितनी कटलरी रखी जा सकती है। आई रिजोल्व, मैंने डिसाइड किया टू फॉरगेट द एड्रेस, वो एड्रेस भूलने का मैंने रिजोल्व किया, निर्णय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द इजिएस्ट, जितनी भी वस्तुएं थी, ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मैंने भूलने की, आई हैड टू फॉरगेट, जो मुझे भूलनी थी, दैट वुड बी द इजिएस्ट, उतना ही आसान होगा जितनी जल्दी मैं उन चीजों को भुलाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर दिस लेसन इज ओवर नाउ, आई शैल कम अप विद अनदर लेसन, टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।